and welcome back to my channel. So friends, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा delicious शाही मटर पनीर की रेसिपी. बिल्कुल perfect रेसिपी है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी छोटे मोटे ओकेशन के लिए आप इसे बना सकते हैं. और बहुत ही ज़्यादा delicious ये शाही मटर पनीर घर पर बनकर तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा रिच बनता है ये. तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले शाही मटर पनीर बनाने के लिए कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच ऑयल को गर्म कर लेंगे. आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं. ऑयल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा इस पर हम एक तेज़पत्ता डाल देंगे और एक टुकड़ा हम दालचीनी का डालेंगे. 3 से 4 हम लवंग ले लेंगे और 2 से 3 छोटी इलायची ले लेंगे. और इसी के साथ हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच के जितना इसमें जीरा डाल देंगे. और अब हम यहाँ पर गैस को बिल्कुल लो रखेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से मसालों को अच्छे से बिल्कुल यहाँ पर भून लेंगे. तो जैसे मसालों का जो फ्लेवर है ऑयल में अच्छे से आ जाए, आप चाहें तो जैसे ही मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएँ उसके बाद आप इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें ही रहने दूँगी मसालों को. और अब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज. तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है. अब हम इसे यहाँ पर गैस को मीडियम फ्लेम पर रख कर इसे बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे. तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में हमारा प्याज है बहुत ही बढ़िया से कुक हो गया है और इसका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन आ गया है. अब यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट. इससे ज़्यादा प्याज का कलर आप डार्क ना करें यहाँ पर. और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छे से 1 मिनट तक के लिए प्याज के साथ यहाँ पर फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ही निकल जाए. और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो गया है. अब मैंने यहाँ पर टमाटर का प्यूरे डाल दिया है. 3 मीडियम साइज़ की टमाटर ली थी जिसे मिक्सिंग जार में डालकर मैंने इसका प्यूरे बना लिया है. थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए. अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर. और अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए. तो लगभग मैंने इसे यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है. और अगर आप देखें तो इसके सरफेस पे किस तरीके से ऑयल आ गया है, इसका मतलब यही है हमारा जो मसाला है बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है. अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे. और अब यहाँ पर हम 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे. तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं. अच्छे से इसे भी फ्राई कर लेंगे. और अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मटर. तो मैंने यहाँ पर ये 1 कप फ्रोज़न मटर लिए हैं. आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और मटर डालने के बाद अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे. और यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले. तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर. लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं 1 चम्मच. कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का. इसी के साथ इसमें हम 1.5 छोटी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर. और धनिया पाउडर के साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार. ध्यान रखें हमने नमक इसमें पहले भी डाला था टमाटर को भूनते टाइम. और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है. सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसे यहाँ पर फ्राई कर लेंगे. और यहाँ पर अब हम इसे ढक कर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें मटर डाला है वो अच्छे से बिल्कुल कुक हो जाए. यहाँ पर अगर आपने फ्रेश मटर का यूज़ किया है तो उसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो 5 से 6 मिनट के लिए आप उसे ढक कर पका लें. तो यहाँ पर ये हमने फ्रोज़न मटर यूज़ किए हैं तो ये जल्दी से कुक हो जाते हैं. तो अब हम इसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे. और यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट. तो काजू का पेस्ट बनाने के लिए मैंने 10 से 12 काजू को हल्के गुनगुने पानी में भिगो के रख दिया था 1/2 घंटे के लिए. उसे नॉर्मली मिक्सिंग जार में डालकर पीस लिया है. तो लगभग 3 चम्मच के जितना काजू का पेस्ट डाला है. और काजू का पेस्ट जिस मिक्सिंग जार में बनाया था उसमें मैंने 2-3 चम्मच पानी डालकर उसे भी इसमें डाल दिया है. अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और आप देख सकते हैं काजू का पेस्ट डालने से जो ग्रेवी है वो बिल्कुल थिक हो गई, उसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है. तो अब यहाँ पर हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे. काजू का पेस्ट डालने से जो हमारी ग्रेवी है बहुत जल्दी थिक हो जाती है और नीचे से जलने भी लगती है. तो इस बात का आप ध्यान रखें, इस बीच बीच में आप इसे चलाते रहें. तो पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे. अगर आपको थोड़ी लिक्विडी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं. अब यहाँ पर हम इसे ढक कर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे. तो मैंने लगभग इसे 3 मिनट के लिए काजू का पेस्ट डालने के बाद भी इसे पका लिया है और बढ़िया सी यहाँ पर ग्रेवी बन गई है. तो अब यहाँ पर हम इसमें लास्ट में डालेंगे पनीर. तो पनीर अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़े से मैंने थिक क्यूब्स में कट किया है और ये ग्राम्स में अगर देखें तो ये 250 ग्राम हमारा पनीर है. तो सारे पनीर के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे. ये जो हम सब्जी बना रहे हैं ये आराम से आप 5 से 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं इतनी क्वान्टिटी में. तो यहाँ पर इसे हम पनीर डालने के बाद बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो टूटने लगता है. तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही आप इसे मिक्स कीजिए कुछ इस तरीके से. तो अब हम इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे.
तो लगभग 4 मिनट में हमारा पनीर भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी बहुत ही बढ़िया लग रही है दिखने में, और इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से जेंटली हमें इसे मिक्स करना है। और यहाँ पर अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो मैंने कसूरी मेथी यहाँ पर हल्की सी तवे पे रोस्ट कर ली थी, उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है सब्जी में। और इसी के साथ एक छोटी चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और साथ ही इसे ग्रेवी को हमें बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी बनाना है, तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच यहाँ पर ये फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना उससे आप ले लें, और उसे अच्छे से फेंट के उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये फ्रेश क्रीम यूज़ की है। फ्रेश क्रीम डालने से जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगी। हम वैसे भी शाही पनीर बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी काफ़ी रिच और क्रीमी होती है। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और सिर्फ अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जब भी आप किसी भी सब्जी में क्रीम का यूज़ करें तो उस सब्जी को आप बहुत ज़्यादा ना कुक करें क्रीम डालने के बाद। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो जो क्रीम है वो सारा अपना ऑयल रिलीज़ कर देगी, और जो आपकी ग्रेवी या सब्जी जो भी बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगी। तो लगभग मैंने इसे 2 मिनट के लिए ही पकाया है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही बढ़िया सी सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे फाइनल टच दे देंगे। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और हल्का सा हम इसे मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हमारी शाही मटर पनीर यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया लग रही है दिखने में, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर से एक बार बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इस शाही मटर पनीर को आप किसी भी रोटी नान पराठा राइस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की और भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।